हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर कंचन। आज हम फिर से बात करेंगे एक नए टॉपिक पे, लेकिन उससे पहले जरूरी एक बात। इस समय हमारा देश कोरोना वायरस जैसे विकट परिस्थिति से गुजर रहा है। मेरी आप सबसे निवेदन है कि इस वक्त आप कम से कम घर से बाहर निकले। ऐसी ही परिस्थिति को देखते हुए मैं आज आप लोगों से ऐसे 7 टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप घर पर ही रह के अपने दांतों का केयर कर सकेंगे। वो 7 टिप्स क्या है ये जानने के लिए ये मेरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो पहला है सॉल्ट, यानी कि नमक, जो बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, आसानी से हर किसी के घर में मिल जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि नमक जैसी चीज़ ये हमारे दांतों में मसूड़ों और सूजन को कैसे कम कर सकता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो सॉल्ट होता है इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है। तो फ्रेंड, इसे यूज कैसे करना है, तो इसे यूज़ करने के लिए 1 कप गुनगुना पानी लीजिए, उसमें 1 टेबल स्पून सॉल्ट डालिए, उसे 3 से 4 बार रोजाना कुला करिए। इससे आपके मसूड़ों में सूजन और ब्लड आ रहा होगा वो जरूर कम हो जाएगा। दूसरा है ग्रीन टी। आजकल तो ये ट्रेंडी हो गया है कि हर कोई ग्रीन टी पीता है। ग्रीन टी हमारे हेल्थ बेनिफिटेड तो है ही, उसके साथ साथ हमारे दांतों के लिए भी बहुत ही कारगर होता है। तो इसे भी आप अपने डेली रूटीन में 2 कप्स जरूर ऐड करिए। तीसरा है एलोवेरा। ये आसानी से हर किसी के घर पे मिल जाता है। एलोवेरा कौन सा यूज करना है, जो मार्केट में ट्यूब्स वाले मिलते हैं वो नहीं, जो हमें प्लांट सोर्स से मिलता है वो एलोवेरा आप यूज करिए। जहाँ पर मसूड़ों में सूजन हो, एलोवेरा जेल जो प्लांट से मिलता है उसे फिंगर्स पे लगा के 2 से 3 मिनट्स मसाज करिए। उसके बाद कुछ समय के लिए वहाँ पर छोड़ दीजिए, इससे आपको बहुत राहत मिलेगा। चौथा है हमारा ओमेगा 3 फैटी एसिड। इसका आखिर सोर्स क्या है, तो वो है सोयाबीन, वॉलनट, फ्लैक्सीड एंड सार्डिन्स। इसे अपने डाइट में आप जरूर इंक्लूड करिए। चौथा है हमारा पांचवा है हमारा टर्मेरिक। टर्मेरिक यानी कि हल्दी। इसे क्या करना है कि हनी के साथ मिक्स करके एक पेस्ट बनाना है, और जहाँ स्वेलिंग है वहाँ फिर से इसे मसाज करना है। इससे जहाँ सूजन है, जहाँ से ब्लीडिंग आ रही है मसूड़ों से, वो आपको कंट्रोल कर देगा। इसके बाद आता है ब्रशिंग। तो फ्रेंड, इन सब में सबसे जरूरी है कि आप अपने दांतों को साफ रखिए, इसलिए आप सुबह शाम ब्रश जरूर करिए। और सबसे लास्ट है हमारा फ्लॉसिंग। फ्लॉसिंग क्या है, एक टेक्निक होती है जिससे हम अपने दांतों को क्लीन करते हैं। जब 2 दांतों के बीच में खाना फंसने लगता है तो वो प्लाक और केरीज बनाने लगता है, इसलिए फ्लॉसिंग बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आप और आपके लिए ये मेरा वीडियो कितना हेल्पफुल है, तो कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप मेरे चैनल्स पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, और अच्छा लगा हो तो लाइक भी जरूर करिए। फिर से मिलते हैं, बाय बाय।